भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। माता पिता के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बेटी को कौन सा रूप दिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, 100-100 सत्संग करने के बाद भी यदि आपका स्वभाव नहीं बदला, आपने अपना विचार नहीं बदले, आपने अपने व्यवहार नहीं बदले, तो सत्संग में आना व्यर्थ हो जाया करता है। लेकिन आदमी नहीं बदलता, 100-100 सत्संग करता है, 1000-1000 पुस्तकें पढ़ता है, जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी वैसी की वैसी जिया करता। एक बात ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन, एक कुत्ता देखा है उसकी पूंछ कैसी रहती है? बोलो, सीधी नहीं रहती, घूम जाती है, टेढ़ी हो जाया करती है। एक बार शैतानी सूझी किसी आदमी को, उसने कहा यार इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत दिमाग लगाया कि ये कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं हुआ करती है? उसे एक मजाक सूझा, उसे एक प्रयास किया, उसे एक विचार आया, उसने कुत्ते की पूंछ को पकड़ा और एक रस्सी से बांध के सीधा उसे बांध दिया। खाना पीना सब कुत्ते को वहीं मिलता, पूंछ को उसने सीधा कर दिया, बांध दिया। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, सात दिन हो गए, महीने भर हो गया, कुत्ते की पूंछ को आदत पड़ गई, बंधे बंधे। उसने क्या किया, बांधने के बाद उसमें एक पाइप भी डाल दिया कि ये पूंछ अब टेढ़ी नहीं होना चाहिए। कहते दो महीने तीन महीने बाद जब उसकी पूंछ को छोड़ा गया, उसकी पाइप को निकाला गया, पूंछ सीधी हो गई। उसने कहा यार मजा आ गया, कुत्ते की पूंछ अब सीधी हो गई। कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी, तीन महीने में हैबिट पड़ गई, उसको आदत पड़ गई। और बड़ा खुश हुआ वो मालिक की, मेरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने देखा, एक मोहल्ले का कुत्ता जैसे ही गुर्राया, जैसे ही भौंका और जैसे ही आवाज सुनी, पूंछ पर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। उसने कहा यार अभी तो सीधी थी, दूसरे कुत्ते ने भौंका और इसने अपनी पूंछ पर टेढ़ी। बारामती वालों, कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ये सीधी नहीं रहा, कब टेढ़ी हो जाए? थोड़ा सा निमित्त मिला कि कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ टेढ़ी हो जाया करती। ध्यान रखिए, कोई भरोसा, कितना भी सत्संग सुन लो, मूंछ और पूंछ को टेढ़ी होने में समय नहीं लगा करता है। थोड़ी थोड़ी बातों में हमारी मन बिगड़ जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं महिलाओं से एक बात पूछूं, बताओगी? आज महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्या बात है, लगता सबके घर में बेटियां हैं। ध्यान रखिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आदमी ऐसा है जो बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत पैसा कमाता है, 5 लाख रुपए महीने कमाता है। ध्यान रखना, देखने में बहुत गोरा चिट्टा, बड़ा सुंदर नैन नक्श, 5 लाख रुपए कमाता है, बस एक काम करता है कि वो गुस्सा बहुत करता है। ध्यान रखिए, गोरा है, सुंदर है, पैसा अच्छा कमाता है, नौकर चाकर उसके घर में रखे हैं, बस गुस्सा करता है और कभी कभी पत्नी पर हाथ उठा दिया करता है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? और एक लड़का ऐसा है जो सांवला है, गोरा नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, 5 लाख भी नहीं कमाता, 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन बड़ा शांत है, उसे गुस्सा नहीं आता है, पत्नी को बहुत प्यार किया करता है, बहुत सम्मान दिया करता है, पत्नी को गाड़ी में बिठाकर बाहर खिलाने पिलाने ले जाता है, पत्नी की हर चीज की परवाह करता है। आप बताओ बारामती की महिलाओं, कौन सा पति अच्छा है? पहला वाला सुंदर,
या सांवला, कौन सा पति अच्छा है बताइए? 5 लाख कमाने वाला अच्छा है या 20,000 कमा के इज्जत देने वाला अच्छा हुआ करता है? बताइए कौन सा अच्छा है, जोर से बोलो। नहीं, हाथ उठा के दिखाओ, पहला वाला या दूसरा वाला? सभी लोग हाथ उठा दे रहा पीछे तक। दूसरा वाला कि पहले? किस पे हाथ उठा है? गोरा गुस्से वाला या सांवला शांत? शर्म करो, तुमने एक बहम पाल रखा है कि महिलाओं को पैसा पसंद है, रुपया पसंद है। आज पता पड़ गया, महिलाओं को पैसा नहीं, प्रेम पसंद है, इज्जत पसंद आया करती है। विचार, इन्हें नहीं चाहिए रुपया पैसा, 5 लाख की जगह 20,000 कमाना। लेकिन मेरे भाई, जरा इज्जत से पेश आना, ध्यान रखिए। गुस्सा वाला तो नहीं चाहिए ना, बिना गुस्से वाला सांवला चलेगा? क्या बात है, वाह, अब चेंज नहीं हो सकता। देखो अब जैसा है ठीक है, मैं तो जिनका नहीं आया उनकी बात कर रहा। यहां कोई ऐसा लड़का बैठा जिसकी शादी नहीं हुई हो? बैठा है या नहीं बैठा? कोई भी कुंवारा लड़का हो यदि जिसकी शादी नहीं हुई हो? नहीं, सब शादीशुदा है। एकाध तो होगा ना भाई जिसका विवाह नहीं हुआ, हाँ तो उठाइए जिसकी शादी नहीं हुई है। हाँ इधर आ बेटा, आ जाओ, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो डरना का है कुछ साथ? हाँ तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ, लाल शर्ट आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। देखो बच्चा है, अब शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, अब मैं इतना बड़ा ऐड कर रहा हूं उसका, है इसका बायोडेटा, जिसके घर में हो लड़का सुंदर है, आ बेटा, खूबसूरत है, बहुत प्यारा लड़का, आइए बेटा आइए। ये लड़का देखो इसकी शादी नहीं हुई है, आओ माइक देना जरा इसको। नहीं इसका देखो पूरा परिचय तो कराऊंगा बेटा, बहुत अच्छी बीवी मिलेगी, टेंशन मत ले। वो माइक रखा उठा लेना, हाँ नाम बता बेटा अपना। माइक तेरी हो गई ना, इसी चक्कर में टूट रही बेटा। हाँ माइक चालू कर, बोले बेटा नाम बता। रामढवे शुभम। राम? रामढवे शुभम। राम, अच्छा कौन सी क्लास पढ़ते हो? बीएससी झाली, बीएससी हो गई। हो गई, शादी नहीं हुई? नहीं यार, इतनी स्मार्ट हो फिर भी नहीं हो रही। अभी उम्र नहीं हुई उतनी। अच्छी उम्र नहीं हुई तो तू आ खाए क्यों गया? जल्दी करना है क्या? देख लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बीएससी कर दिया है, किसी घर में कोई हो तो संपर्क कर सकता है, इसकी शादी कराना है। शादी करेगा या साधु बनेगा? शादी करूंगा। शादी, बेटा लक्षण खराब नहीं कर विचार। एक बात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, उत्तर दोगे? एक बात मैं पूछ सकता हूं, यदि आपको बहुत सुंदर लड़की मिले, बहुत खूबसूरत लड़की मिले, बिल्कुल क्या बोलूं? कौन बोला ऐश्वर्या राय? इतनी जल्दी इनके उत्तर आते महिलाओं के। ए बहुत खूबसूरत लड़की मिले और दहेज भी बहुत मिले, लाखों रुपए लेकर के आए, लेकिन वो लड़की खूबसूरत देखने में बहुत हो, पैसा भी बहुत लेकर आए, लेकिन उसको बात करने की तमीज ना हो, वो गुस्से में बात करती हो, और एक लड़की वो जो सांवली है, ज्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा भी लेकर नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत और सम्मान से बात करती है, सबको बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है, बोलने की तमीज उसके अंदर है, बेटा कौन सी लड़की से शादी करोगे? सुंदर वाली या सांवली इज्जत वाली? सावली। पक्का? पक्का? सुंदर नहीं हुई तो? स्वभाव अच्छा हुआ तो? चलेगी? पैसा नहीं लाई तो? कौन कहता इस देश में दहेज के लिए लोग मरते हैं? आज इस जवान ने साबित कर दिया कि मुझे पैसा और सुंदरता नहीं, मुझे स्वभाव की सुंदर लड़की चाहिए, ध्यान रखना है। ये नौजवान, ये भारत का जवान ये विचार रखता है कि खूबसूरत लड़की लेकिन बोलने का तमीज भी ना हो तो उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, थोड़ा रंग काला चल जाएगा लेकिन उसका मन और स्वभाव काला नहीं होना चाहिए। आप बस इससे बड़ा और क्या फैसला दूं? यही तो मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव का प्रभाव है मेरे भाई, कि आपके लड़के कह रहे हैं कि पैसा ना लाए चलेगा, दहेज ना लाए चलेगा, बहुत सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखो मान्यवर। ये दो दो उदाहरण मैंने दिए हैं,
इन्हें भी अच्छा पति चाहिए, सांवला हो लेकिन व्यवहार अच्छा हो, और इन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, भले ज्यादा सुंदर ना हो लेकिन व्यवहार उसका अच्छा हो। मान्यवर, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चेहरे की सुंदरता नहीं, हर व्यक्ति को व्यवहार की सुंदरता चाहिए, स्वभाव की सुंदरता चाहिए, यही जीवन का सुख हुआ करता है। मान, ऐसा नहीं है कि गोरी लड़की से शादी मत करना, नहीं, उसका भी अच्छा स्वभाव हुआ तो क्या दिक्कत है, विचार करना है। मान्यवर,